राम राम सारे भाई है ना भाई। आप देख लो क्या हुए कि हम लोग बहुत दिन बाद आ रहे थे सर, ठीक है। इसकी पता दिक्कत क्या चल रही है व्लॉग की, लाइव व्लॉग की दिक्कत ना है, सारी लाइफ में दिक्कत चल रही है। कोई चीज़ सही होए बहुत ही साथ रोक रहा हो जाएगा, फिर उस टाइम में कट रहा था तो वैसे बड़ी प्रॉब्लम थी, बाइक की प्रॉब्लम बन गई। लास्ट जो हम देख सकते उसके साथ रहे साथ उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती वो चले तो नॉर्मल होगी हो जाएगी, उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई उसको पहले सही कराया, उसके अंदर टाइम लग गया और इस समय से थोड़ी बहुत सही हो रही, फिर प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ रही है देखो, कोई लाइट नहीं है ना, मीटर घर बंद है, मीटर घर में हाथ कहीं पता नहीं। अगर आप लोग उसको कहा भाई कहाँ पर सही हो रहे सोल्डिंग वाला जो इसे करें, बस मीटर का एक तार है अंदर से खोलना है ना, तो फिर एक तार है जिसको ऐसे हम कर रहे हैं तो मीटर ऑन हो जा रहा है ना बंद हो जा रहा है, तो वो एक सही करवाना है बस। बाकी सब कुछ अगर आप देख पा रहे सब कुछ सही ना, मेन प्रॉब्लम है छोटे मोटे बात होगा ना, कोई लाइट नहीं चली ना, ठीक है। ऐसे काम कर रहा प्रॉपर और भाई आप छाटो दोबारा नहीं भाई, क्या आवाज़ बंद भी इस लाइट चली थी तो क्या रीज़न, तो बाइक तो बंद होनी है भाई, ब्रेक तो होगा बिल्कुल, काम कर रहा है भी बंद हो रहा है, कुछ नहीं बोलो किस टाइम पर साथ छोड़ जाए कब काम करता है कुछ नहीं बोलो भाई। इस चक्कर में कई बार देख तुम्हारे चेक भी करवा ली है, तुम्हारे वही चेक करवा लग रहा हूँ भाई, बात नहीं बात मेरे पास टाइम नहीं लिख पा रो, तो सारा का सारा सिस्टम क्या है इसी ऊपर का भी मिल चुके हैं बिगड़ चुके हैं। बस कर देखते तुम्हारा से बैटरी लो होने की वजह से ऐसा एवरेज दे दो, ठीक है ना, ये पूरी मैं गियर डाउन कर रहा हूँ है दब जाएगी ये इसके अंदर सीन बनने लग रहा, ये ना पता क्या सीन है क्या चीज दिक्कत दे रही है क्या चीज सही है कुछ भी ना पता। और देख क्या भाई कब तक हो गया, देख क्या दिक्कत आऊंगी कब जाकर सही होगी, सरकार से लेंगे एजेंसी के सही करवाएंगे। अगर भाई इनके बस के तो है ना ओरिएंटल टीवीएस, ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश वहाँ से अगर कुछ देख रहा हो भाई, अगर आपके समझ में आ रही हो क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ भाई, मैं वो चीज़ सर्विस सेंटर में जाऊँ फिर मैं बताऊँ अब क्या चीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मेरे भाई में कोई जान है ना अच्छे तरीके से, मतलब मैं तो जानू हूँ प्रॉब्लम्स के बारे में, कहाँ से क्या प्रॉब्लम बना है कहाँ से क्या ठीक होएगी, तो वो और कोई ना है ओरिएंटल मोटर टीवीएस कांगड़ा ही है जो कि इस बाइक ने अच्छे से जाना है क्यों प्रॉब्लम बढ़ रही है कैसे सही होगी। अगर कोई देख रहा हो संदीप भाई तो बताइयो, ठीक है, नंबर तो तुम्हारे पास सबके पास है ही मेरा, अगर नंबर ना है तो हरियाणी राइडर इंस्टाग्राम पर आई डी है ऊपर आके मैसेज कर दियो, मैं अपना आप फिर वो कर दूँगा, ठीक है ना, बता दीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी चलो एक बार आपने इसकी वो इसकी आवाज़ बीच में कच्ची थोड़ी वो आ रही थी ना ख़राब हो गई तो भी थोड़ी सही करवाई आपने, बड़ा इसकी आवाज़ चेक करूँ मैं ज़्यादा भी ना है, छोटी सी है क्लिप कोई 200-300 मीटर की उसे करवाऊँगा मैं। एक और चीज़ अगर कोई भाई बता पाए तो ठीक है ना, आराम चल रही है, ब्रेक मारूंगा छोड़ जाए काम, और इस चीज़ सेम चीज़ों को मैं दिखाऊंगा एबीएस काम कर रहा है वो पूरे एबीएस काम कर रहा है वो, तो स्पीड में होकर ब्रेक मारूँ ना एबीएस काम कर जाएगा, लेकिन हाँ वहाँ भी कई बार है वो है ब्रेक काम ना करे, लेकिन मंजिल में ब्रेक मारूंगा एबीएस गए ये देख सको बंद भी होगी थी, तो यो है दिक्कत। अब यो दिक्कत अगर किसी के समझ में आ रही हो, पर यो दिक्कत पता कब से बनी है, अब शायद उनसे कहीं तार कट हो चेन हो जब मैं इसका अगला और ये पिछला ब्रेक पैड चेंज करवाया ना उसका बाद से दिक्कत आने शुरू हुई है, चलो देखते हैं अभी कट करके दूसरा पार्ट करते हैं उसको, उसको तो भाई पता ही ना मैं सही करवा रहा हूँ ना, तो मतलब सही होने के बाद 2-3 दिन बिल्कुल फिट चल रही
फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम बन जा रही बिना भी कहना कि हाँ गई नज़र लगा आधी किसी ने ये कर दियो पर वो आज बात भाई साथ हम मेरा छोटेंगे करवा हम भी जब तक सही करवाते रहेंगे जब तक खड़ेगी नहीं तुझे ऐसा चल भाई कोई फायदा ना नज़र लगा के ये तो मान नहीं रहा जब तक इसे सही करवाते रहे साथ नहीं छोड़ेंगे जब इसमें साथ नहीं छोड़ते भाई हम चुपकर साथ छोड़ दें इसका कहते हैं तो बंदा की जो मेन चीज़ है जो बाइक लवर जो कार लवर है ना उसकी हर अच्छी सिचुएशन और हर बुरी सिचुएशन है उसकी बाइक और कार जान है जो कैसे है कैसे ना तो उसमें उस टाइम पे साथ नहीं छोड़ देते कभी कुछ हो गया मैं आप इसके बारे में क्या जरूर भाई देखो